दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ भाषण देने से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनती है। हंगर इंडेक्स में भी हम 107वें नंबर पर हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश तक हमसे बेहतर स्थिति में, अच्छी शिक्षा व्यवस्था से ही हम नंबर 1 बन सकते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। वो लिख रहे हैं कि बीजेपी वाले भाषण तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के देते हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में भी हम 107वें नंबर पर। दो वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में भी 106 देश, जिनमें नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक हमसे बेहतर है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किए बिना भारत नंबर 1 नहीं बन सकता।